परशुराम की बात देखें, क्षत्रियों को सारे क्षत्रियों को मार रहे थे, लकड़ियां तोड़ रहे थे, जंगल नहीं मांगी, तो वो परशुराम जी ने कभी संध्या की ऐसा तो नहीं देखा, वो तो मारते हुए चले गए। भगवान दत्तात्रेय अति महर्षि के पुत्र थे, क्या उन्होंने संध्या वंदन किया, ये बात पूछते हुए चले गए। अब मुद्गल महर्षि ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो जटिल है कि कब संध्या वंदन आरंभ हुआ, हमारे पास भी योग्य ब्राह्मण है, कब संध्या वंदन आरंभ हुआ इसका ज्ञान कौन बोले कि कब संध्या वंदन का आरंभ हुआ। सभी लोग देखते रह गए और मुद्गल महर्षि ने कहा, तुम कुछ भी कहो उस महर्षि अगस्त के पास मैं भी आता हूँ, चलो हम चलेंगे। महर्षि अगस्त के पास मुद्गल ऋषि के साथ ये लोग गए और उन्हें वहाँ बैठा और कहा कि महर्षि, अपमान तो मेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मुझे पता नहीं है कि संध्या वंदन कब आरंभ हुआ, संध्या वंदन किसने पहली बार किया और इसके बारे में क्या पता है। वो चिंतित होकर महर्षि अगस्त ने कहा कि संध्या वंदन का आरंभ कब हुआ और प्राणायाम किसे कहते हैं, संध्या वंदन में आचमन किसे कहते हैं और उसके साथ मार्जन या इस बात को किसे किसे कहा गया, ऐसा उन्होंने पूछा। तो महर्षि अगस्त कहने लगे, अगर तुम्हें पता है तो तुम कह दो और पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। उन्होंने तब कहा कि प्रभु, हमें पता नहीं है, ये बात तो हम पहले से ही बताते हैं। तो तब उन्होंने कहा कि सभी लोग इसके पहले संध्या वंदन नहीं था और अग्निपुत्र भी नहीं था। पुष्कर क्षेत्र जो ब्रह्मा का पुष्कर क्षेत्र है, वहाँ ब्रह्मा ने 1000 वर्षों तक बहुत बड़ा महान यज्ञ संपादित किया था। यज्ञ में सब कुछ मिला था, दान देने, दान खाने, सब कुछ खाने के लिए मिलता था। तो ब्राह्मण इतने मदमस्त हो गए थे दूध आदि पीकर कि उनके शरीर में मैल भी जमा हो जाए, वो दूसरे साधना स्नान पीना करते ही आते थे और आकर साधना में बैठ जाते थे या तपस्या करते थे। तब ब्रह्मा ने देख कर कहा कि कम से कम दान मैंने दिया है, आपने लिया है, लेकिन आप इसका तो ख्याल कर दे कि आपको आप कितने पवित्र है या कितने पवित्र नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम हमारा अपमान करते हो, हम कैसे भी रहो ब्राह्मण पवित्र है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा ये गर्व कहाँ तक है, कितने पास तक काम करते हो। उन्होंने कहा कि आज तुम यहाँ बैठ जाओ और देखो कि एक बार तपस्या में तुम क्या है, ब्रह्मा का पुष्कर है, वहाँ जाकर तुम एक बार स्नान करके आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा ही अहंकार ब्राह्मण पुष्कर में स्नान करने गए, पुष्कर का पानी पूरा उड़ गया, ऊपर चले गया, कुछ भी एक भी तीर्थ पृथ्वी पर नहीं रहा। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है। तो आगे चले गया तो उनके पास अभी रहने के लिए ना कुछ धने हैं, सच छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। तब ब्रह्मा ने अपने पुष्कर में होकर कहा कि तुम जो कर रहे हो सच है, अब आप ये बताओ कि क्या इस पृथ्वी पर से पुष्कर का जल ऊपर चले गया है, उसको तुम नीचे ला सकते हो, तुम्हारे शरीर को तो शुद्धि करनी है, तुम इस चीज को कर सकते हो क्या। तो बार बार पूछ रहे, अब उन्होंने कहा कि आप ला सकते हैं तो कैसा रास्ता है, हमें कुछ ज्ञान नहीं, कोई गुरु ज्ञान दे तो लाए। तब ब्रह्मा कहते हैं कि आप महर्षि अगस्त्य के पास जाओ और पूछो कि इसके लिए क्या करना है, कि ऊपर जो जल चले गया है उसको क्या करना है, वो किस प्रकार हमें साधना हमारे में हमारे लिए पवित्र होकर फिर जल पृथ्वी पर आए। तब जो पहली ऋचा और पहले संध्या वंदन में हम मार्जन के लिए कहते हैं, ओम आपो इष्टमेव वर्तानवते दधातना महिरणाचक्ष्य योष्यो मूर्सत्स्य भागेना ऊषिरो मात्रादस्मादनमावो यस्य क्षयायुत आपो दनेताचना, इस जन के लिए है प्रभु आप ऊपर चले गए, आपो इष्टमेव हुआ भय पर लगने वाले हुआ भूसे लेकर ऊपर चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, स्नान ऊर्जे धारणा मैं स्नान करने के लिए स्नान को आने के लिए ऊर्जे आप ऊर्जा दो धनात्म। इस बात को कहते हुए ब्राह्मण को इस मंत्र को दिया गया और प्रार्थना की गई कि तुम्हारे शुद्धि होने के लिए उसको नीचे बुलवाओ। और पहली बार इस आपोहिष्टे के मंत्र की उत्पत्ति अगस्त महर्षि ने कही और उस मंत्र की उत्पत्ति उस मंत्र की उत्पत्ति होने के बाद जन जब आया तो उन्होंने कहा कि ये बाह्य शुद्धि हो गई, अंतर शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा ने कहा अंतर शुद्धि के लिए इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उस वो केशव है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, उसके बारे में तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे कंठ से लेकर ऊपर तक जाने के लिए आचमन, आचमन का अर्थ होता है तुम्हारे मन और इस संसार में आपका मंत्र होता है अपने शरीर को करना, आज का मंत्र होता है शरीर का, इस चर का मतलब इस शरीर को मन को शुद्ध करने के लिए तुम्हें भगवान का नाम देते हो, उस तीर्थ को जो ऊपर से गिरा उसे अंदर ले लो तो अंतर शुद्धि होती है और तब से आचमन का आरंभ हुआ।
जब ये आचमन हुआ और मार्जन हुआ उसके बाद गोविंद नाम स्मरण हुआ तो लोग कहने लगे कि जिस सूर्यनारायण से हम लेते हैं उसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बाद में अर्घ्य सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य देकर कहा कि हमारे से गलती हो गई है, हम तब से ये संध्यावंदन करने की विधि आरंभ हुई। और उन्होंने कहा ये संध्यावंदन की विधि कब है, तो सुबह करो तो ब्रह्म का ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में करो तो विष्णु को, शाम में करो तो शिव जी को, और इस प्रकार की गायत्री सावित्री सरस्वती का भी की आराधना होती है। ब्राह्मण तब से आचमन और संध्या विधि करने लगा, और संध्या विधि करने के बाद उसने आगे जो कार्य किया ये होने के बाद उसकी दृष्टि में सारे संसार में जो पाप होते थे और ब्राह्मण उन पापों को लेता था, तो उस पापों से निकृष्ट करने के लिए क्या कहा गया कि तुम पापों को देखा है उसको अगर निकाल देना है तो तुझे अग्निहोत्र करना है। तब उस अग्नि को देखकर उसने अग्निहोत्र जब किया और अपने बाल वैष्णोदेव का काम किया तब उसके पाप किले जाने लगे और धुलते चले गए। तो ये इसकी उत्पत्ति मैं ये बात इसलिए करा था कि हम मैं तो धन देने के लिए आपने साधना बता दी, सिद्धियों के लिए साधना बता दी, लेकिन उसके रोकने की साधना नहीं बताई और नहीं भी बताना चाहता। अच्छा है ना, एक बार आप अनुभव करो कि धन आने के बाद बच्चा मारने लगे तो पता चल जाएगा, है ना। सिद्धियाँ मिलने के बाद उसका उपयोग कैसा होता है इसका भी पता चल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसका ज्ञान रखने के लिए क्या करना है, और धन हो सिद्धि हो जो हमें प्राप्त हो और हमें गुरुकृपा प्राप्त हो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसको देखना है। गुरुकृपा प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना है, हम अगर इसको नहीं देखते तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। तो मैं आपको इस विधान के लिए शाम तक का इंतजार करने के लिए कहता हूँ, आप संध्या वंदना कर लो, अभी आपको भूख लगी होगी, आप खाना खा लो, और आगे के धन संचित धन को किस प्रकार उपयोग करना है आपको बात मैं शाम में 6 बजे आकर बताता हूँ। अभी आपको बचे हुए मालाओं का जप कर लो हो सके तो एक ही आसन पे स्वर्णकात्यायनी का जब हम करते हैं तो यंत्र सिद्ध होता है, लेकिन गुरु तुम्हें समय दे रहा है ना, मैं अभी दोपहर से शाम तक देता हूँ और रात में भी देता हूँ, तो लेकिन जब गुरु कह रहा है तुम्हें तब कोई साधना करते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होता, वो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कहलाया जाता। गुरु कहता है कि तुम नारायण ध्वनि करो, तुम गुरु बोलता है तो तब सुनो, तब अगर तुम साधना करके बैठते हो तो उसका मतलब ही नहीं, अवज्ञा ही हुई, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा कि तुम साधना कर रहे हो। मैं आपसे पुनः आशीर्वाद देता हूँ, शाम में 6 बजे तक यहाँ आ जाओ। धन के संचय को किस तरह करना है और हम दी हुई सिद्धियों को किस प्रकार रखना है, अगर हम गुरु मंत्र जब आदि करते हैं तो उस गुरु मंत्र जब आदि का किस प्रकार रक्षा करना है, गुरु मंत्र हमारी रक्षा करता है तो हम गुरु के प्रति क्या करना है, ये सब मैं शाम के सेशन में आपको बताऊंगा। एक बार जय घोष करेंगे, बोले भगवान की जय, माता जी की मेरी इच्छा है और जरूर बनाने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। आशीर्वाद देता हूँ।